नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरकिरित और आप देख रहे हैं टेक आई के। स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन की और जानेंगे कि बिटकॉइन से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं और जानेंगे इसकी बुराइयों के बारे में और इसके खास चीज़ों के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम पहले ये जान लें कि मनी यानी कि पैसा क्या होता है। पैसा किसी भी चीज़ को खरीदने या फिर बेचने के लिए एक मीडियम है। पुराने समय में लोग एक चीज़ को खरीदने के लिए दूसरी चीज़ देते थे, फिर धीरे धीरे कॉइन्स और अब पेपर करेंसी आ चुकी है और अब डिजिटल वर्ल्ड के ज़माने में अब हमें डिजिटल करेंसी देखने को भी मिल जाती है और जिसे हम क्रिप्टो करेंसी भी कह देते हैं। तो इस क्रिप्टो करेंसी में से सबसे पॉपुलर जो है वो है बिटकॉइन। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहना। तो बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो नाम के इंसान ने 2009 में लॉन्च किया था। तो बात कर लेते हैं इसको लॉन्च करने का क्या इंटेंशन था, इसे क्यों लॉन्च किया गया। तो जैसे हम देखते हैं कि हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है और हर कंट्री उस करेंसी को रेगुलेट करती है, उसकी जो गवर्नमेंट है उसे रेगुलेट करती है। तो अगर किसी इंसान ने दूसरे इंसान को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो उसके बीच में एक थर्ड पर्सन होता है जो कि है वो गवर्नमेंट या फिर रूलिंग बॉडी जो कि उस करेंसी को रेगुलेट कर रही है। तो वो जो गवर्नमेंट है वो सारी ट्रांजेक्शन के ऊपर ट्रैक रखती है कि कितना पैसा कहाँ से किधर जा रहा है। लेकिन सातोशी नाकामोटो ने ये सोचा कि ये जो थर्ड पर्सन है इसे हटा दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ ये जो ट्रांजैक्शन है वो मेरे और आपके बीच में ही रह जाए, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच में ही रहे और तीसरा इंसान इसे देख ना पाए। तो जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था 2010 में, इसकी जो वैल्यू थी वो थी अराउंड 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू 0.08 US डॉलर्स। लेकिन अगर आज आप गूगल पे सर्च करके देखोगे तो इसकी वैल्यू है अराउंड 52,000 डॉलर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर इंडियन रुपीस में देखें तो अराउंड 38 लाख रुपीस बन जाती है। तो अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। तो बिटकॉइन से पैसे कमाने का जो फर्स्ट तरीका है वो सिंपल है, जैसे हम शेयर्स खरीदते हैं वैसे ही हम बिटकॉइन को खरीद सकते हैं। अगर फ्यूचर में इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे सेल करके हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि एक बिटकॉइन की वैल्यू ही अराउंड 38 to 40 लाख रुपीज़ है तो हम इसे कैसे खरीद सकते हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम बिटकॉइन को फ्रैक्शंस में भी खरीद सकते हैं। जैसे एक रुपये में 100 पैसे होते हैं और एक डॉलर में 100 सेंट होते हैं, वैसे ही बिटकॉइन के अंदर 8 डेसिमल प्लेसेस तक जो फ्रैक्शन बनती है उसे एक सतोशी कहते हैं। तो आप अगर एक सतोशी भी खरीदोगे तो उससे भी आप अगर वैल्यू बढ़ती है तो आप उसे सेल करके उससे पैसे अर्न कर सकते हो। तो हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप पेमेंट तो ज़रूर लेते होगे, तो पेमेंट आप कैश में या फिर ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करते होगे। अगर आप बिटकॉइन को भी अपनी पेमेंट में एक्सेप्ट कर लें पर आपको आपके कस्टमर बिटकॉइन देने लग जाएं तो आपके अकाउंट में बिटकॉइन रहने लग जाएंगे। तो जो बिटकॉइन है अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो आप उस बिटकॉइन को फ्यूचर में सेल करके उससे भी पैसे कमा सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे तो हम अगर डॉलर्स में पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं तो डॉलर्स को भी हम बाद में रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि डॉलर्स की वैल्यू बढ़ती रहती है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डॉलर्स की वैल्यू इतनी एग्रेसिवली नहीं बढ़ती है जितनी बिटकॉइन की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है। तो बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ जो कि काफ़ी पॉपुलर है और जिसका नाम है बिटकॉइन माइनिंग। तो पहले बिटकॉइन माइनिंग को समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो मान लीजिए मैंने आपको कुछ पैसे भेजने हैं, तो मैं आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ बिटकॉइन में। तो अगर मैंने आपको एक बिटकॉइन सेंड करना है तो उसके लिए मुझे कुछ वेरिफिकेशन करनी होगी, क्योंकि ये बिटकॉइन किसी भी गवर्नमेंट या फिर किसी भी पार्टी के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता, तो जो ट्रांजैक्शन है उसे तो वेरीफाई होना ही पड़ेगा। तो उसे वेरीफाई करने के लिए एक थर्ड पर्सन होता है जिसे हम बिटकॉइन माइनर कह देते हैं। तो काफ़ी सारे लोग बिटकॉइन माइनिंग करते हैं अपने लैपटॉप से या फिर अपने कंप्यूटर से। तो जो लोग बिटकॉइन माइनिंग करते हैं उस बिटकॉइन माइनिंग में एक जो ट्रांजैक्शन होती है जो मैंने आपको पैसे भेजने हैं उसके साथ एक मैथमेटिकल पज़ल या मैथमेटिकल प्रॉब्लम लिंक्ड होती है। तो वो जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसे जो भी बिटकॉइन माइनर सबसे पहले सॉल्व कर देगा तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी और उस ट्रांजैक्शन में कुछ
पैसे या कुछ बिटकॉइंस उसे रिवॉर्ड में मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर हम बिटकॉइन माइनिंग करते रहेंगे और काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस पास करवा देंगे तो इससे हमें थोड़े थोड़े बिटकॉइन मिलते रहेंगे और हमारा प्रॉफिट बनता रहेगा। तो बात कर लेते हैं इसकी अच्छाइयों की। आपको ये भी पता होगा कि अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो उसकी ट्रांजैक्शन लिमिट होती है कि आप इतनी लिमिट तक ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और उसके साथ साथ ट्रांजैक्शन फ़ीस भी होती होगी। लेकिन इस बिटकॉइन के अंदर जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो हम अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और जो ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो भी अनलिमिटेड होती है, जितने मर्ज़ी हम पैसे भेज सकते हैं। और एक बात, ये जो इसकी स्पीड होती है, मतलब अगर मैंने आपको पैसे भेजे हैं और आप तक वो कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे, उसकी जो स्पीड है वो भी काफ़ी तेज़ होती है। क्योंकि अगर हम बैंक के थ्रू अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक ने सारा रिकॉर्ड रखना होता है और जो गवर्नमेंट है उसको सारा मेंटेन करके दिखाना होता है रिकॉर्ड के कहाँ से पैसे जा रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, तो इसलिए उसे एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है बैंक की तरफ। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो इसे कोई पार्टी या फिर कोई भी गवर्नमेंट इसे ओन नहीं करती है, तो इसलिए इसे इसकी जो स्पीड है, ट्रांजैक्शन स्पीड है, वो काफ़ी फास्ट होती है। तो एक और बात जानने वाली ये है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? ये सातोशी नाकामोटो ने पहले दिन से ही फिक्स कर दिया था कि बिटकॉइंस जो हैं वो 21 मिलियन के ऊपर नहीं जा सकते। ऐसा क्यों किया गया है? तो अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कंट्री है उसके अंदर 2 लोग रहते हैं और उसके अंदर एक गाड़ी है, तो दोनों लोगों ने उस गाड़ी को परचेज करना है। तो अगर उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो जो करेंसी है उसे प्रिंट करती जा रही है, तो क्या होगा कि जो गाड़ी है उसकी वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन जो करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन होती चली जाएगी। तो यही वजह है कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ बिटकॉइंस ही प्रोड्यूस हो सकते हैं ताकि फ्यूचर में बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट ना हो। तो रिसेंटली ही जो टेस्ला कंपनी के ओनर हैं एलन मस्क, उन्होंने 1.5 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं बिटकॉइन के अंदर। तो ये एक काफ़ी बड़ा प्रूफ है कि आप बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करके उससे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। तो एक और मज़ेदार चीज़ इस बिटकॉइन के बारे में ये है कि अगर आप मान लीजिए आपके जेब में पैसे हैं तो उस पैसे को कोई चोर आकर चोरी कर सकता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो हैकर उसे हैक कर सकता है, लेकिन आप समझ चुके होंगे कि बिटकॉइन को कोई भी हैक नहीं कर सकता है। ये एक काफ़ी सिक्योर नेटवर्क है और ये काफ़ी सिक्योर करेंसी है। तो यही थी आज की ये वीडियो। तो वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज लाते रहेंगे और आपका नेट पैक खर्चवाते रहेंगे। धन्यवाद।